यूं ही बस आते जाते एक बार लिफ्ट में टकरा गए। हाय, अचानक से सामने से आया बहुत ही हैंडसम, गुड लुकिंग, बिल्कुल नर्डी लुक। थोड़ी देर के लिए तो मैं समझ ही नहीं पाई कि एक अजीब सी सनसनाहट मेरे अंदर उठी। मैंने भी हाय बोला। इतने में मेरा फ्लोर आ गया। बाहर निकलते निकलते पता नहीं दिल में क्या आया, मैंने पूछा, हाउ अबाउट सम कॉफी? तो उसने बोला, अरे यू आर द सेम गर्ल ना जो पॉडकास्ट करती है। मन में अजीब सी खुशी आई कि कहीं ना कहीं शायद मुझे नोटिस और चेकआउट किया। आई वॉज वेरी हैप्पी। दोबारा बहुत दिनों के बाद गार्डन में वॉक करते हुए दिखा, पर उसके साथ कोई था। मुझे लगा कि शायद मेरी जगह वहां नहीं है। दिल में बस उसकी याद लेकर रह गई। नाम भी नहीं पता है और शायद अब जानना भी नहीं चाहती हूं, क्योंकि पता नहीं क्यों, पर ये नर्डी लुक कभी नहीं भूलेगा। सोच रही थी, ऐसा क्या है जो हमें किसी में अच्छा लग जाता है और हम उस इंसान को कभी नहीं भूल पाते हैं? ना नाम जानते हैं, ना प्यार है, तो ये क्या है? क्या उसका वो ऑरा, क्या वो वाइब इन्फैचुएशन था? पर दिन में एक बार याद जरूर आ जाता है। पर अजीब बात है ना, ना तो ढूंढने का दिल करता है, ना मुझे उसका नाम जानने का दिल करता है। बस उसके होने से ही मैं खुश हूं। कभी कभी हमें इश्क के ख्याल से ही इश्क हो जाता है और शायद ये वो ही है। काश मैं ये चीज समझा पाती, खास करके खुद को, कि हमें क्या अच्छा लग जाता है, ऐसी वो कौन सी खुशी है, ऐसा वो कौन सा छोटा सा इश्क है जो कहीं दिल में बस सा जाता है। नहीं समझा सकती, पर आप समझ सकते हो, क्योंकि ये सबके साथ होता है। कभी तुम मेरा पॉडकास्ट सुनो ना तो जरूर समझ लेना, अच्छे बहुत लगते हो मुझे, कि दिल में बहुत सी दुआएं हैं तुम्हारे लिए, शायद थोड़ी सी मोहब्बत भी। काश उस दिन लिफ्ट में ये कह पाती, क्या मेरे बोले बिना ही तुम सुन पाए? कैसे नहीं समझा पाई मैं, और क्यों नहीं समझे तुम? वो आंखें क्यों नहीं भूलती मुझे? देर रात तक मेरे साथ क्यों रहती हैं? क्यों नहीं बताना चाहती तुमको अब? शायद, पर कोई इंतजार नहीं, फिर भी मुस्कुरा देती हूँ जैसे ही तेरे बारे में सोचती हूँ। पर उससे ज्यादा शायद मैं कुछ नहीं चाहूंगी। ये बात भी तुमको समझाना नहीं चाहती हूं, तुम्हारी लिफ्ट वाली दोस्त।